एक्सिम बैंक के कारोबार के विस्तार के लिए अतिरिक्त पूंजी निवेश के प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी। बैंक में नई पूंजी के लिए 6000 करोड़ रुपए के बॉन्ड जारी करेगी सरकार। उत्तर पूर्व की कच्चे तेल की जरूरतें पूरा करने के लिए नुमालीगढ़ रिफाइनरी की क्षमता विस्तार पर खर्च किए जाएंगे 22,594 करोड़ रुपए। ग्लोबल एविएशन समिट में सरकार ने जारी की एयर कार्गो पॉलिसी। 2025 तक भारत को दुनिया के टॉप 5 एयर कार्गो बाजार में शामिल करने का लक्ष्य। नई नीति में जरूरत के हिसाब से देश विदेश में ट्रांजिट कार्गो हब बनाने पर जोर। डीजीपी की नियुक्ति आंतरिक राज्य समिति के जरिए करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। पंजाब, हरियाणा, केरल, पश्चिम बंगाल और बिहार सरकार की याचिका खारिज। पीठ ने कहा जनहित और राजनीतिक दखल से बचाने के लिए अदालत ने दिए हैं दिशा निर्देश। मुंबई में 9 दिन चली बेस्ट की हड़ताल खत्म होने से लाखों लोगों को राहत। हाईकोर्ट ने कर्मचारियों की मांगों पर गौर करने के लिए रिटायर्ड जस्टिस को नियुक्त करने का दिया निर्देश। वेतन बढ़ोतरी समेत विभिन्न मांगों को लेकर 8 जनवरी से हड़ताल पर थे बेस्ट के कर्मचारी। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री थेरेसा मे के खिलाफ पेश अविश्वास प्रस्ताव पर थोड़ी देर में शुरू होगी बहस। ब्रेक्जिट डील संसद से खारिज होने के बाद विपक्षी लेबर पार्टी ने पेश किया है अविश्वास प्रस्ताव। विश्वास मत हासिल करने पर ब्रेक्सिट डील के दूसरे मसौदे को सोमवार को संसद में करेंगी पेश।